अस्सलाम वालेकुम। गौर प्राचा साहब, शजीर मीर साहब, भट्ट साहब और पट्टी साहब, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल मेरे साथ मेरी दुकान पे, मेरे शॉप पे मेरे साथ ज़्यादती हो चुके हैं। मैंने दो बंदों को 5 तोड़े दिए, 3 एक ने ली, 2 एक ने ली और गाड़ी में उन्होंने रखा और फिर मेरे पास आटा ख़त्म हो चुका है। फिर साथ दूसरा बंदा है, हमने उनको कहा कि भाई आटा ख़त्म हो गए, ये हमारा अंदर कस्टमर जो बैठे हुए हैं इनके 5 बंदे हैं, ये एक एक तोड़ा उनका और कल जो है ना फिर आके मेरे दुकान सील कर गए। और मैं आज कचहरी गया हूँ तो मुझसे 25,000 रुपये उन्होंने कहा कि 25,000 रुपये जुर्माना। मैं कह सर मैं इतना नहीं दे सकता हूँ, 15,000 रुपये मैं जुर्माना दे के आया हूँ, लेकिन आप बड़ों को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कि मैं अपनी तरफ से और जो इस बंदे को दी है मैंने आज उनको ढूंढ लगाया, उनको बुलाया कि भाई आप मुझे बताएं कि आपने पालतू पैसे दिए हैं या गवर्नमेंट का रेट भी दिए हैं। वो बंदे हैं जो कल मेरे से वो तोड़े लेके गए, उनसे आपके आपसे जो है ना बात कराना चाहते हैं। ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने कल कई तोड़े लिए। कल मैं आ रहा हूँ इधर, 2 तोड़े उठाया सरकारी रेट का। ये गरीब लोग का बहुत ख्याल रखना, कोई आते कोई एक मंथे दो मंथे वो देते सरकारी रेट में। अगर आप लोग ऐसे हो गया गरीब लोग किधर जा रहे हैं? पूरा पिंडी में घूमता घूमता आटा नहीं मिलता, इधर आया मिलना, ये हमारा आटे का वजह से। ये दूसरा भाई जिसने 2 तोड़े लिए, 3 इन्होंने लिए, 2 इन्होंने लिए, 860 रुपये में लिए, 3 भाई तोड़े लिए, 2 चाचा गए दिन में रहे और मेरा घर इधर गड़ा था ना इसलिए डाला। उधर महंगा मिलता है 1300 रुपये का एक थोड़ा मिलता है, इधर 860 रुपये मिल दिए इन लोगों ने। 5 थोड़े लिए, 1 महीने चला था हमारा, आप डीलर और 860 रुपये पे मिले इधर। ये भाई ये वो बंदे हैं जो जिनको मैंने कल जो है ना 5 थोड़े दिए, 3 एक ने लिए, 2 एक ने लिए, इनको जो है ना मैंने बुलाया है कि यार आप आए, वो अचानक मुझे मिल गए, इनको मैंने बुलाया और इनकी बातें भी आपने सुने। अभी जो है ना मैं कोशिश करता हूँ, मैंने ये बोर्ड जो लगाया था कि आज से बाद मेरा कोशिश ये होगा कि सरकारी आटा बेचना जो है ना मैं बंद कर दूं, क्या प्राइवेट क्या ना बेचूं, मुझे 20-30 रुपये बचत हो, 5 रुपये में मुझे बचत हो रहा है इसमें। और अभी जो है ना मेरे भी साथ जो है ना ये जुर्माने और मेरा दुकान सील कर गए, क्यों कौन से सहती हम निकले मेरे अपने बड़े जो है ना मैं उनसे मुतालबा करना चाहता हूँ कि मेरा पूछा जाए, मेरा पैसे वापस किया जाए और उसके बाद ये आटा यही होगा कि ये आटा जो है ना ये 860 रुपये वाला मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पूरा खैबान का विजिट किया जाए, किसी का पास नहीं मिल रहा है। एक वायद मेरे पास है कि मैं दे रहा हूँ और इतना बड़ा बोर्ड लगा के दे रहा हूँ, क्या मैं ब्लैक कर दूँ 40 तेले? 40 तेले से कोई ब्लैक हो सकते हैं? कितना मैंने ब्लैक किया होगा? आप सब हम डीलर हैं और डीलर तो 2-2, 4-5 टैले तो दे सकते हैं हर दुकानदार को, अगर वह ना देंगे तो फिर हम अगर किसी को देंगे 5 टैले तो आप कहेंगे ये ब्लैक कर दिया है, ये तो नहीं हो सकता। जिसने लिया है उसे पूछे ना कितने का लेंगे। राजा साहब और मीर साहब ये सारा नोटिस लें आप। मेरा रिक्वेस्ट है बड़ों से कि इस मेरे वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों का साथ जो ना मेरे वीडियो पहुँच जाए और इस वीडियो का वापस मुझे जवाब भी देना है, क्या हम ये आटा बंद कर दें, मार्केट में देना बंद कर दें, किसी को ना दें, किसी गरीब आदमी का जो है ना वो घर ना पहुंचे ये आटा, अगर पहुंचना चाहते हैं तो लिहाजा ये मेरा बात का नोटिस लिया जाए और ये पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम।